हाय फ्रेंड्स, मैं सब जिग्नेशा। आज हम बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, ये मीडियम प्रेशर बॉयलर है जिसके अंदर 40 बार प्रेशर होता है। ओके, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको नेट पे मिल जाएगी का तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ओके, इसके अंदर बॉयलर सेल होता है जिसके अंदर हम वाटर को फीड वाटर होता है उसको फील करते हैं। ये डाउन टेक हेडर से यहाँ पे पास होगी ग्रेविटी की वजह से। ये नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है इसके अंदर। यहाँ से हमारा पास होगा वाटर, यहाँ पे हमारा ग्रेट पे हमारा फ्यूल बर्न हो रहा होगा जिसके से क्या होगा, फ्ल्यू गैसेस प्रोड्यूस होगी और वो ये इसके आजू बाजू सर्क्यूलेट होगी। बैफल प्लेट्स हम इस वजह से रखते हैं ताकि हमारा सरफेस ज़्यादा बढ़े, मतलब हीट कॉन्टेक्ट टाइम ज़्यादा बढ़े। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और ये ऊपर चला जाता है अपटेक हेडर से बॉयलर सेल के अंदर वापस वहीं पे। लेकिन वहाँ पे हमारा वाटर भी होता है जिसके से क्या होता है, हमारा सुपर हीटर स्टीम नहीं होती तो हम सुपर हीटर यूज़ करते हैं। यहाँ से स्टीम आया वापस, हमें उसे हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं और यहाँ से हम स्टीम स्टॉप वाल से बाहर ले लेते हैं। सेफ्टी के लिए बॉयलर के अंदर हम सेफ्टी वाल यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस के टाइम में अगर हमें बॉयलर सेल को क्लीन करना हो तो मैन होल दे रखा है। प्रेशर कितना है, स्टीम हमारा कितना जनरेट हुआ है, कितने बार पे है, वो देखने के लिए हमारे पास प्रेशर गेज है और स्टीम और वाटर का लेवल देखने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर है। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम इस तरीके से है। यहाँ पे से जो हम वाटर पास हो रहा होगा उसके अंदर मड है या फिर कोई भी चीज़ है इम्प्योरिटीज, उसको क्लीन करने के लिए मेंटेनेंस के टाइम पे हम मड बॉक्स होता है इसको ओपन कर देते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं। डैम्पर हमारे यहाँ प्रोवाइड इसके से क्या है कि ये जो फ्लू गैसेस होते हैं उसको सर्कुलेशन कंटिन्यूस रहे, कहीं पे रुके नहीं। सूट डोर्स हमारे मेंटेनेंस के टाइम पे यूज़ होते हैं। थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।